मैंने आप लोगों के साथ एक सपना का वीडियो शेयर किया था, जो कि अभी रिसेंटली सपना के साथ जो चीजें हुई हैं, आपने उस वीडियो को देखा और समझने की कोशिश की जो मैं आपको समझाना चाहती थी, क्योंकि ये हमारे समाज का बहुत कड़वा सच है। जब कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उस लड़की को बहुत गलत नजरिए से देखा जाता है। जब आदमी साथ रहता है, अगर लड़की गलत है या औरत गलत है तो भी वो सही होती है, क्योंकि उसके साथ आदमी साथ है। अगर वो लड़की सही है और उसके सिर पे आदमी बाप का पति का साया नहीं होता तो वो औरत गलत मानी जाती है। इस समाज की ये कड़वी सच्चाई है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप लोगों के साथ आज कुछ बात ऐसी है जो मैं करना चाहूंगी। बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बात के लिए समझा और अपना बहुत सारा प्यार दिया, बताया मुझे कि दी आपने जो चीजें हम लोगों के साथ शेयर की है वो बिल्कुल सही है। और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी ये बात भी रखी कि हम इस चीज को बहुत लंबे टाइम से फील कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने ये बात कही कि हम इन चीजों को समझा है, हमने फील किया है, फेस किया है। और जैसा जो समाज होता है ना, वो हमें कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये गलत नहीं है। मैं उन बहनों को ये बात कहना चाहती हूँ जो भी अपने काम में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, देखिए समाज कभी भी आपको कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्पेशली चाहे हम लोग कह देना कि कितना ही समाज आगे निकल गया, लड़कियों की रिस्पेक्ट होता है, नहीं, बहुत गलत है। पीछे से यही समाज कान खुचोरी करता है, 10 लोगों को और भड़काता है हम लोगों के खिलाफ। तो मैं समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो मतलब किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे आदमी नहीं है, ठीक है, ये उनकी सोच है, क्योंकि उसके सिर पे आदमी नहीं है। अगर आदमी होगा तो बिंदास तरीके से वो कुछ भी कर सकती है, सब सही है। क्यों भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे समाज में ना दो तरीके की ही लोग बैठे रहते हैं हमेशा से। एक जो आपको मतलब कहते हैं ना कि मतलब पुश करते हैं कि आप इस काम को करो, फिर हम आपके लिए हम बदनामी करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। पहले आपको खुद काम को करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं, आपको बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर आपको ये पता नहीं चलता कि वही लोग आपके साथ मिलकर आपको ही गिराते हैं। जब आपको इस चीज का आभास हो जाता है ना तो आप संभल जाते हैं, आपको भी आप जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार दो बार तीन बार जब आपका भरोसा टूटता है तो फिर आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। तो ये हमारे समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है। और एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगी, देखिए मैं उन सबसे बात कहना चाहूंगी जिनके ऊपर कुदरत की मार पड़ चुकी है, आप क्यों उनके ऊपर अपने शब्दों की मार डालते हैं, क्यों उनको अपने शब्दों से जलील करते हैं, क्यों अपनी जवान गंदी करते हैं, समझ में नहीं आता क्यों करते हैं और आपको ऐसा क्या मिलता है। एक बहन थी जिन्होंने मुझे बहुत प्यारा कमेंट किया था और ये बात कही थी, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि अगर आपको आज भी कहती हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो रेड हार्ट जरूर दीजिएगा। और एक बहन थी जिन्होंने मुझे ये बात अपनी शेयर की, जिन्होंने बताया कि मैं बहुत लंबे टाइम से अपने ही लोगों के अंदर रहकर अपने लिए कुछ करना चाहती थी, पर वो लोग मुझे इसलिए नहीं करने देते थे क्योंकि 1.5 साल पहले उनके हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई थी जिससे कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज वो अपनी अकेली बच्चियों को पाल रही हैं। तो एक तो वो अकेली, ऊपर से उसके सिर पे बच्चियों का साथ, तो अगर वो खुद स्ट्रांग नहीं होगी तो भैया अपनी बेटियों को क्या सिखाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप एक तो समाज में वीडियो को बहुत गंदी नजरों से देखा जाता है, दूसरी डिवोर्स वाली लड़कियों को एक गंदे लेवल से जज किया जाता है कि उन्होंने अगर डिवोर्स लिया है ना तो वो अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मतलब उनको, मतलब मैं ऐसे शब्द कभी यूज नहीं करती हूं, जो कि अभी जब मैंने एक बुक मेरे सामने आई, जब मैंने उस बुक को पढ़ा और रीड करने के बाद जब मैं उस चीज को समझ पाई ना तो मेरे दिमाग की जो वो है ना वो हिल गया बिल्कुल। मैं कह रही बताओ यार, दिखते लोग कुछ हैं, होते कुछ लोग हैं, और ये सब चीजें क्या हमारे समाज में होता है? और ये जब सामने, जब मैं बाहर निकली, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं ज्यादा मार्केट या बाहर ये सब चीजें नहीं करती हूँ, पर अब मेरे काम के चलते मुझे बाहर ही निकलना पड़ता है, समाज में बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, तो 10 तरीके के लोग हम रोज देखते हैं, तो वो सब चीजें होती हैं। तो जब मैं अब सामने से इन सब चीजों को फेस कर रही हूं ना, तो अब ये चीजें समझ पा रही हूं कि औरत को सिर्फ एक घर बनाओ, उसको घर के अंदर लेकर जाओ, वो आपके घर को संभालेगी, और जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं, जो जरूरतें हैं, वो सिर्फ वहीं तक रखे, उसके ऊपर ना वो कोई सपना देखे, ना ही अपने लिए कुछ सोचे, ना अपने बच्चों के लिए। अगर सोच तो सिर्फ मेरे लिए सोचे, अपने मतलब अपने पति के लिए सोचे, अपने पति के परिवार के लिए सोचे, और तब कहीं जाकर अगर उसे इतना सा टाइम मिलता है ना, समथिंग 10-15 मिनट का भी टाइम मिलता है, तो वो मिलकर अपनी फैमिली से बात करने बैठ जाती है, अपने पति को अपना कीमती समय देने बैठ जाती है। जब
उसके लिए ना तब तक उसकी दुनिया दुनिया रहती है, इर्द गिर्द ही रहती है, अपने पति अपने बच्चों अपने ससुराल के आसपास ही उसकी दुनिया घूमती है। जब वो कुछ सोचती है और इन केस भगवान का कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि आप सबको पता है अभी सपना के साथ जो चीजें हुई हैं, बहुत अच्छा लगा कि सपना की मम्मी सपना से मिलने गई, क्योंकि कई बार क्या होता है फोन पे हमारी उतनी बातें हम एक दूसरे को नहीं समझा सकते हैं, मानते हैं कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये जो उनकी दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा आ गई थी, और कुछ अपने ही इनके इन दूरियों के संपर्क में आए थे, दूसरों को तो कोई मतलब नहीं पड़ा था। ये मैं आपको बता दूं, गुस्सा आया था, गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर गुस्सा और ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं तो आपके अंदर जीने की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। पर मैं आपको ना कभी भी इस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करूंगी कि आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप आंख बंद करके उसके साथ चलते जाइए, नहीं, क्योंकि अब मैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मैं अपने सामने भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। हाँ, ये चीजें हैं कि मैं बोलती हूँ पर टाइम और समय को देखकर बोलती हूँ। बेवक्त बेफजूल बोलना, मुझे ऐसा लगता है अपनी शब्दों को भी आप किसी ऐसे तमाशगिरियों के बीच में अगर अपने शब्दों को आप रखते हैं तो वहां पर आपके शब्दों की वैल्यू नहीं होती। अपने शब्दों को आप वहां रखिए जहां पे आपके लोग आपकी शब्दों की वैल्यू समझें, आपकी बात की वैल्यू समझे, तब आपको एक अलग ही वे में, एक कहते हैं ना कि आपको वो चीजें मिलेंगी, एक इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं, और वो सबसे पहले आपको अपने अंदर ढूंढना होगा, क्योंकि आप अपने लिए सोच पाएंगे ना तभी आप दूसरों के लिए सोच पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब इस वीडियो को मैंने पोस्ट किया था तो मुझे इतना नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना प्यार देंगे, पर आपने प्यार दिया और आपके प्यार से आज आपकी तरुणा फिर एक वीडियो इस तरीके की लेकर आई है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं इस मैटर पे बात करूं, क्योंकि मैं अभी इस चीज को मैं फील कर रही हूँ क्योंकि मैं एक बुक है उसको रीड कर रही हूँ, और उस बुक के अकॉर्डिंग जैसी चीजें हैं उसमें ये चीजें ज्यादातर कही गई हैं कि हमें समाज में उतरना होगा और समाज के ही साथ हमें बैठ के बात करनी होगी। और उसके लिए मैं कोई, देखो समाज में ऐसा नहीं है कि मैं किसी राजनीति में जाना चाहती हूँ, मेरा राजनीति से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। तो एक कमेंट आया था कि आप समाज में समाज के ऊपर इतनी बातें करती हैं ना, तो इलेक्शन में उतरिए तब पता चलेगा। तो बहन, मुझे इलेक्शन में उतरने की जरूरत नहीं है, मेरे शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों के दिल तक पहुँचती है। आपके दिल में जो आता है वो आप टाइप करके जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि सब लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते और मैं सब लोगों के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी सोच तो मैं नहीं बदल सकती हूँ ना। जो लोग मुझे समझते हैं सिर्फ उनके लिए मैं काम करती हूँ, उनके लिए मैं हूँ आज, क्योंकि मैं अपनी ना पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें मानती हूँ। जहां पर आपकी रिस्पेक्ट हो रही हो ना, आप वहां पर जाकर अपना वैल्यू दो। जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहां पर लोग आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं और आपको ये सोचते हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि आई है तो मतलब अब वीडियो बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, तो उनसे किनारा कर लो और सिर्फ राम राम तक रखो, और इससे ज्यादा उनके आसपास भी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भैया उनके लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ, ये सिर्फ उनके लिए जवाब है, उनके लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा जो काम है, मेरी रोजी रोटी है, मैं उसको करूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप रोकना चाहते तो कब का रोक लेते। तो अब इस मैटर में मत पड़िए, मत और मेरी नजरों में गिरिए, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मेरा ये काम है, मैं आज इस काम को बहुत प्यार करती हूँ, और कहीं ना कहीं जब मैं टूटती हूँ या कहीं भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपनी बात लेकर पहुंच जाती हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरी ऑडियंस मेरी बात को सुनती है और समझती है। अगर आपको मेरी इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना रेड हार्ट देना मत भूलिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। अगर नहीं है तो ब्लू येलो आप कोई भी हार्ट दीजिएगा, पर अगर आप सहमत हैं तो प्लीज रेड हार्ट दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से लेकर लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।